92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। आज की सुबह में माँ लक्ष्मी की आराधना मन को आनंददायक लगती है। वैसे भी अभी जो शांत वातावरण है उसमें एक बात और ख्याल में आती है कि नम्रता से बोलना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये चार गुण जब हमारे पास होते हैं तो हम सबके लिए खास हो जाते हैं। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस सुबह की आपको देती हूँ, इस नए जन्म की आपको देती हूँ बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभात। ये सुबह आपको अत्यंत मंगलकारी जाए, आपके सब काम बन जाए, ऐसी मेरी मनो इच्छा। आज 16/12/2016 शुक्रवार है। आज चंद्र मिथुन राशि में सुबह 8:50 तक फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र होगा पुनर्वसु। दोपहर 2:24 तक संकष्ट चतुर्थी है आज, मतलब कि गणेश जी का दिन है। और चंद्रोदय मतलब कि चंद्र का उदय रात 8:42 पर। मुहूर्त हैं लाभ 8:28 से लेकर 9:50 तक। अमृत है 9:50 से लेकर 11:13 तक। और शुभ रहेगा 12:36 से लेकर 1:58 तक। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक खास तरीके से मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। आज हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वभाव कैसे होगा, जानिए अपना स्वभाव। तो सुनते रहिएगा मेरा ये कार्यक्रम सहर। सुबह का वक्त है और मंदिरों मस्जिदों में अजानें, पूजाएं, प्रार्थनाएं होती हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पीछे मस्जिद है और जब अजान होती है तो मेरा मन जो है मेडिटेशन में चला जाता है। ईश्वर का नाम लेने से मनस शांति होती है, अल्लाह का नाम लेने से मनस शांति होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। ये सुबह आपको अत्यंत मंगलकारी, बहुत अच्छी जाए, ऐसी मेरी कामिनी खन्ना की सहर कार्यक्रम में आपको दुआएं। ये दिन आपको अति उत्तम हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जानिए मेष से लेके कन्या राशि तक का स्वभाव। जैसे मैं बताने जा रही थी आपको भविष्य, वैसे ही आज ये बताऊंगी। मेष राशि। मेष राशि वाले धाड़सी लोग, मंगल ग्रह के प्रतिनिधित्व करने वाले, आक्रामक, गुस्सेबाज, थोड़े से डोमिनेटिंग और साथ में बहुत ज्यादा काम करने वाले, बहुत ही मेहनती, आगे बढ़ बढ़ के काम खत्म करने वाले और जिंदगी में आगे बढ़ने वाले। अगर नौकरी पेशा है तो और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सत्ताधारी हैं तब थोड़ा सा आक्रामक होके काम करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग रोमांटिक लेकिन डैशिंग, कोई भी चीज में कूद जाने वाले, अपनी बात को मनवा के रहने वाले और थोड़ा सा डोमिनेटिंग, इसके अलावा प्यारे से भोले भी, एट द सेम टाइम ये कर्मठ भी होते हैं, एट द सेम टाइम ये भोले भी होते हैं, एट द सेम टाइम ये गुस्सेबाज भी होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्विस्वभाव वाले लोग मतलब के चंचल भी और बहुत ज्यादा समझदार भी, दोनों ही काम ये एक साथ करते हैं। ये पतले दुबले होते हैं, पर्सनैलिटी इनकी बहुत सुंदर होती है और ये जैसे औरतों के गुण होते हैं, जैसे सब घर वर ध्यान रखना वो भी इनमें होते हैं और मर्दों वाले गुण भी इनमें होते हैं। तो इनकी राशि वाली औरतें जो होती हैं वो सब मर्दों वाले काम भी कर लेती हैं, जैसे बाहर काम करना, नाम कमाना, और अगर मर्द होते हैं तो वो किचन में भी काम कर लेते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही भोले से, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा खा जाने वाले। इनका चंद्रमा के साथ इनका स्वभाव ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। जैसे अमावस आती इनका मन बुझ जाता है, जैसे पूर्णमासी आती मन खिल जाता है, फिर भी ये परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं,
इनको पानी बहुत पीना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए। सिंह राशि के लोग बहुत ही डोमिनेटिंग क्रोधी स्वभाव के, और दोपहर को 3 बजे तक अगर ये अपना गुस्सा कंट्रोल में रखें तो बाद में इनका गुस्सा कंट्रोल में आता रहता है। वैसे इनको बता दूं कि ये बड़ी बड़ी सत्ता पे होते हैं, ये नेता होते हैं अगर सूर्य अच्छी जगह बैठा हो, और ये बड़ी बड़े ओहदे पे भी होते हैं बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में। कन्या राशि के लोग, ये मृदु स्वभाव के लोग जो हैं ये चुप रहने वाले, चुप रह के बहुत बड़े बड़े काम करने वाले, जिम्मेदार जवाबदार लोग, दूसरों की बात को समझने वाले और चुपचाप काम कर देने वाले, अपने परिवार का साथ निभाने वाले कर्मठ, ऐसे लोग। मैं बता रही थी मेष से लेके कन्या राशि तक का स्वभाव। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेके मीन राशि तक के लोगों का स्वभाव। मेरी माँ स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी क्लासिकल सिंगर थी बहुत बड़ी, और वो एक दोहा गाती थी कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। तो जो सुख में रहते हैं लोग उन्हीं के साथ सब होते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो आपके दिल के करीब होते हैं। आइए सुनते हैं ये वचन, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। धुंध वाली सुबह, चारों तरफ ठंड की आहट, दूर कहीं पहाड़ों से दिखती हुई सुनहरी किरणें और उनसे आसमान चमकता हुआ। जग गई है एक दुनिया और नाच रहे हैं पंछी, और उस पर जो फूल खिले हैं उन पर शबनम की बूंदें, बहुत अच्छा नज़ारा है। और ये नज़ारा, ये फूल, ये कलियां और ये घंटा नाद, जो भगवान का जो सुबह सुबह दर्शन होता है उसमें कितना आनंद है जानते हैं ना आप। तो मैं ये आनंद लेके आपके लिए एक बार फिर सुबह हाजिर हो गई हूँ सहर कार्यक्रम में। इस ठंड की आपको देती हूँ बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य, मतलब के स्वभाव बताने जा रही हूँ मैं। तुला राशि का नाम ही तुला राशि है, मतलब हाथ में तुला लिए तोल मोल के बोल, हर बात को तोल मोल के बोलने वाले बड़े ही सुंदर लोग, शुक्र के अधीन होते हैं ये लोग, और विलासी और ऐश्वर्य भोगने वाले, ना भी हो तो उसको क्रिएट कर लेने वाले आर्टिस्टिक लोग, और साथ में मृदुभाषी, कभी गुस्सा भी करने वाले, और थोड़ा सा सामदाम दंड भेद में बिलीव करने वाले। वृश्चिक राशि वाले लोग कभी पल में अपने स्वभाव को बदल दें तो पता नहीं चलता, और पल में बहुत प्यारे से हो जाते हैं। इनका मन बहुत जल्दी बुझ जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाता है, इसलिए अपने मन को स्थायी करने के लिए इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ये भी काम में डैशिंग होते हैं, शांति से जीवन बिताने वाले, एकांत प्रिय होते हैं, कोने में रहने वाले, और अगर काम पे आ जाएं तो नाम भी इनका बहुत हो जाता है। धनु राशि, बहुत ही कर्मठ कड़वा बोलने वाले लोग, लेकिन बहुत ही ज्यादा अपने परिवार को प्यार करने वाले, लोगों का भला करने वाले, ऐसे धनु राशि वाले लोग पायस होते हैं। ये दिखने में लंबी ऊंची पर्सनैलिटी, बड़ी सुंदर से होते हैं और गुरु के अधीन होते हैं। मकर राशि के लोग दिखने में थोड़े से सांवले सुंदर, लेकिन बहुत ज्यादा कर्मठ और बहुत ज्यादा प्यारे, ये लोग शासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं, इनको अन्याय पसंद नहीं, ये काम बहुत ज्यादा मेहनत से करते हैं, और काम करने के बाद इनको अगर उसका मुआवजा सही से नहीं मिलता तो ये अन्याय का विरोध भी करते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहते हैं ये। कुंभ राशि के लिए ये लोग सब बात को पेट में रखने वाले, बहुत ज़्यादा मेहनती, लेकिन किसी को ना दिखाने वाले, अपनी तकलीफ किसी को ना बताने वाले, और अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी, अपने ही नहीं बहुत सारे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले, ऐसे ये लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। मीन राशि, मछली की तरह हाथ से निसट जाने वाले, किसी के हाथ ना आने वाले, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, जुगाड़ू लोग, बहुत ज़्यादा प्यार से सब काम निपटा देने वाले और अपनी बात मनवा लेने वाले, प्यार से मृदुभाषी लोग होते हैं ये, और पायस भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, सिद्धियां भी कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी स्वभाव के अनुसार सभी राशियों का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप। अपने बारे में पूछने के लिए हम जब जगह जगह लोगों की राय जानना चाहते हैं, अच्छा मेरा वो कार्यक्रम कैसा लगा था, अच्छा मैं कैसा दिख रहा था या दिख रही थी, तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप आंखें बंद करके खुद से पूछ लीजिए ज़रा,
कि आपने कैसा काम किया, आप कैसे दिख रहे हैं, आपको सब अंदर ही पता चलता है। ये मन जो है ये बहुत अच्छा दर्पण है आपके कर्मों का, आपके व्यवहार का, आपकी मन की सुंदरता का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ले सकते हैं ऐसी कौन सी चीज होती है, वो होती है ज्ञान। दे सकते हैं ऐसी कौन सी चीज होती है, वो होती है दान। और बोल सकते हैं ऐसी कौन सी चीज होती है, वो होती है सत्य। और करना चाहिए ऐसी कौन सी चीज होती है, वो है दया। तो दया, सत्य, ज्ञान, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी अपने मन के अंदर। और बड़ी बड़ी बातें लगें आपको, फिर भी इनको फॉलो करना है थोड़ा बहुत तो, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जीवन जो है वो पायस नहीं होगा। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर, आपका स्वागत करती हूँ। आपको सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग कहती हूँ, इस दिन की बधाइयाँ देती हूँ आपको। आज करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल टिप, पानी की चर्चा। पानी जो है चंद्रमा का द्योतक, और पानी पीने से क्या होता है, मन अच्छा हो जाता है। पानी बहुत सारी चीज़ों का द्योतक होता है, मन, मोती, चांदी, माता, रक्त, और आपका स्वभाव और नर्वस सिस्टम और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी पानी जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है। आपने देखा होगा समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं तो चंद्रमा ऊपर उठता है। सर्दी जुकाम से राहत दिलवाता है गर्म पानी। अब पानी को कई तरीके से करके आप यूज में कर सकते हैं, है ना, पानी में डाल के कई चीजें पी सकते हैं। और वैसे सर्दी जुकाम में अगर आपने गर्म पानी पी लिया तो आपको बहुत फर्क पड़ता है, चीज से राहत होती है गले में, आपकी नसें खुलती हैं नाक की, गले की, आपको छाती में राहत होती है। पेट में अगर जकड़न होगी, पेट साफ नहीं हो गया, तो आपका सिस्टम ठीक होता है, गला ठीक रहता है। इसके सेवन से जुकाम की शिकायत जो है धीरे 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 दूर हो जाती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको पानी के विषय में। जल जो जीवन है उसको बचाइए, ये मेरा संदेश है। जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिलूंगी फिर इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। महालक्ष्मी के मंदिर जाते हैं लोग शुक्रवार के दिन और अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं माँ को, तो लेट जाइए माँ की गोद में, और अगर माँ नहीं है तो माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए, उनकी आरती कीजिए, उस जगत जननी माँ जगदम्बा को याद कीजिए, ताकि आने वाला दिन आपका सुपर डुपर हिट हो। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।